प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आगत ध्वनियाँ के विषय में। आगत का अर्थ होता है आई हुई और ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़ें, अर्थात वह ध्वनियाँ जो बाहर से या विदेशों से आकर हमारे हिंदी भाषा में शामिल हो गई हैं। आगत ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली अर्ध चंद्राकार, यह आपने देखा होगा कि कुछ शब्दों के ऊपर इस तरह का अर्धचंद्र बना हुआ होता है, उस पर बिंदु नहीं होती। चंद्र बिंदु और अर्धचंद्राकार में अंतर होता है। और दूसरा है नुक्ता। नुक्ता आपने देखा होगा कुछ अक्षरों में के नीचे लगा हुआ होता है, ये बिंदी की तरह। तो आज हम आगत ध्वनियों के अंतर्गत अर्धचंद्राकार के विषय में पढ़ेंगे। ये अर्धचंद्राकार का चिन्ह है और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हिंदी भाषा होती है उसमें अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें कुछ शब्दों में जो प्रयुक्त होने वाली ध्वनि होती है वो हिंदी से अलग होती है, जैसे कॉपी, टॉफी। तो ये जो ध्वनि है वो आ और ओ के बीच की होती है। हिंदी में जो स्वर होते हैं आ और ओ, उनके बीच की होती है, और इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण के लिए तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह को विकसित किया गया है। और ये अर्धचंद्राकार का चिन्ह है, इसके ऊपर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बिंदु नहीं होता है, और इसे स्वर के साथ जो अ से अ तक है उनके साथ इन्हें सम्मिलित किया गया है। अब चलिए अब हम कुछ शब्दों को लिखते हैं और फिर देखते हैं कि यदि हम इनमें अर्धचंद्राकार नहीं लगाएंगे तो इनका अर्थ कैसे बदल जाता है। यह है हार्ट और यहाँ भी है हार्ट, ठीक है। तो हार्ट का मतलब होता है बाजार, हार्ट बाजार को कहते हैं। लेकिन यहाँ भी हार्ट है, तो अगर हम ऐसे ही इसको लिखेंगे, ये हॉट को हमने हार्ट लिखा हुआ है, तो अगर हम हार्ट लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें अर्धचंद्राकार लगाना है। ये अंग्रेजी का शब्द है हॉट, जिसका अर्थ होता है गर्म। तो अगर हम इस पर अर्धचंद्राकार नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, हार्ट होगा, और हार्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, बाजार। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कितना अंतर हो जा रहा है। यहाँ पे अर्धचंद्राकार लगाने से इनके अर्थ में अंतर आ रहा है। अब हम अगला शब्द लिखते हैं, ये है बाल। बाल तो आप जानते हैं सिर का, है ना, सिर का जो हमारे सिर के ऊपर रहता है, ये सिर का बाल है। और दूसरा ये भी बाल है, और इसके ऊपर हम अर्धचंद्र लगाएंगे, बाल नहीं है ये बॉल है। तो बॉल किसको कहते हैं इंग्लिश में, गेंद को। अगला शब्द है काफी, पर्याप्त, है ना, जिसका अर्थ है होता है पर्याप्त। और अगर हम कॉफी बोल रहे हैं और अर्धचंद्र नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसका अर्थ होगा पर्याप्त, लेकिन हमें क्या लिखना है, कॉफी। तो यहाँ पे हम अर्धचंद्र लगाएंगे, है ना, जो कॉफी है वो एक पेय पदार्थ है, पीते हैं हम उसे। ऐसे ही कुछ और शब्दों को भी हम देखते हैं जिनके ऊपर की अर्धचंद्र लगता है। सॉस, ऑफिस, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बॉस, टॉफी, कॉलेज। तो ये जो शब्द हैं बच्चों, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ये जो अर्धचंद्राकार चिन्ह जो है वो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं
उनके ऊपर जिन्हें हम हिंदी में लिखते हैं, तो उनका उच्चारण सही करने के लिए ये अर्धचंद्राकार लगता है। तो आज तो हमने अर्धचंद्राकार के विषय में पढ़ा और कल हम दूसरी आगत ध्वनि नुक्ता के विषय में पढ़ेंगे।